तो कुछ खास यहाँ कहाँ से दिखेगा अभी? और साफ दिखता है, इससे क्लियर नहीं आ रहा है। तो आप लोग ये बताइए जी कि कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे? हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? नहीं बताओगे? बताओगे ऑपरेटर्स वगैरह पर? बताया था नहीं बताया था? ऑपरेटर्स वगैरह बताया था नहीं बताया था? बताया था। चलिए इफ एल्स थोड़ा सा पढ़ते हैं जी। इधर गया यार, एक तो फोटो में बनाया था इफ एल्स का सी के समय पे, आपको दिख रहा है यहाँ ना वाला कंडीशन? तो यही हम जो है विजुअल बेसिक में पढ़ते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है कि इफ एल्स का कंडीशन इसी तरह से चलता है, ठीक है। इसको मैं जो है ओपन कर लेता हूँ पेंट वगैरह से एफेक्ट। तो इफ एल्स का क्या मतलब है? ये देखिए, ये जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें कंट्रोल स्टेटमेंट वगैरह का बनाया था मैं, ठीक है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और कंट्रोल स्टेटमेंट में सीक्वेंस स्टेटमेंट है जो सीक्वेंशियली अपने आप चलता जाता है। जैसे आपने कुछ लाइन लिखा और सीक्वेंस जैसे जैसे लाइन, मतलब आप जिस क्रम में लाइन लिखते हैं उसी लाइन में चलता जाता है, वो क्या कहलाएगा? सीक्वेंस स्टेटमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ब्रांचिंग स्टेटमेंट, ठीक है। ब्रांचिंग स्टेटमेंट के अंदर अगर आप जाएंगे तो इसमें दो ठो मिलता है, कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट और अनकंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट, ठीक है। कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट का क्या मतलब है? जो कंडीशन के आधार पर चले, ठीक है। तो इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। सिंपल इफ है, इफ एल्स है, नेस्टेड इफ है, फिर एल्स इफ लेडर है, फिर स्विच है, ठीक है। तो हम सिंपल इफ को देखते हैं थोड़ा सा। तो सिंपल इफ में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट करा, डिलीट दबा दिया, ठीक है। यहाँ पे आया और डिलीट बटन दबा दिया, ठीक। तो क्या हुआ यदि, ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ें इस ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है वो अगर हाँ होता है तो क्या होता है? एक कर्ली ब्रेसेस से एक ब्लॉक बन गया ना। इस ब्लॉक के अंदर जो भी चीज़ें आप लिखोगे वो चलेगा, कब? यदि हाँ होता है, ठीक है। अगर हाँ यहाँ पे आ जाता है तो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, वो जो है चलेगा, ठीक। ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर वाला है जो ब्लॉक है, ठीक है, इसके अंदर वो जो है चलेगा, ठीक, कब? यदि हाँ होता है तो। अब ये तो हिंदी में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है,
कंप्यूटर के भाषा में आप इसको कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिख लो इफ ट्रू देन ये चलेगा, ठीक। इफ माने अगर या यदि, अगर यहाँ ट्रू होता है, हाँ होता है, तो ये वाला, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाला जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा, ठीक है, वो चलेगा, ठीक। चलेगा का क्या मतलब है? मतलब ये है कि इसके अंदर जो लाइन आप लिखे रहेंगे वो काम करेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? सिंपल इफ, ठीक। यहाँ पे जो सिंपल इफ है ना, ये ऊपर सिंपल इफ, वो यही है सिंपल इफ, ठीक। अब इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप कैसे लिखोगे, मैंने आपको सी में भी बता ही दिया था, तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पे भी मैं बता ही देता, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट कंसोल एप्लीकेशन मैं ले लेता हूँ, ठीक है। इफ, ठीक है, ब्रैकेट मैंने लगा दिया, ठीक है। अब इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख देंगे जी? कुछ भी लिख देंगे, जैसे मान लो पासवर्ड है, ठीक है, या पासवर्ड को छोड़िए, कुछ मैच कराते हैं, ठीक है। क्या मैच करा लूं जी? चलिए वोटिंग वाला एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। तो डीम, ठीक है, मैं टाइप कर रहा हूँ इसलिए, इफ एज इक्वल टू दे देता हूँ इसमें मैं 18, ठीक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर एज, ठीक, अगर बड़ा है या बराबर है किसके, 18 के, तो क्या करना है जी? तो ये देखिए, जैसे मैं इंड दबाया, ठीक, तो ये देन का साइन यहाँ पे लगा और ये आ गया नीचे, ठीक, ठीक है। तो विजुअल बेसिक के केस में, समझ रहे हो, ध्यान से इधर सामने, विजुअल बेसिक में क्या होता है कि ये जो ब्रैकेट है ना, ये कर्ली ब्रेसेस आप लोग आप देख रहे हैं, जैसे मैं इसको फिर से डिलीट कर दूं, तो ये जो आप कर्ली ब्रेसेस देख रहे हैं ना, ये क्या बता रहा है कि इफ कहां से शुरू हुआ, कहां खत्म हो गया, यही है ना, यहां खत्म हो गया इफ। तो ये कर्ली ब्रेसेस जो है बाकी लैंग्वेजेस में होता है, ठीक, लेकिन विजुअल बेसिक के केस में कर्ली ब्रेसेस नहीं होता। यहाँ पे देख रहे हैं आप, कहीं नहीं है, और इफ के बाद यहाँ पे देन अपने आप लग गया, ठीक। तो यहाँ पे देन लिखा जाता है, ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस के आखिरी में, जैसे कर्ली ब्रेसेस अंतिम में एक ठो बंद आप करते थे, तो यहाँ पे आखिरी में इंड इफ लिखा जाता है, ठीक है, कि इफ यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ पे इफ हमारा खत्म हो गया। तो जहाँ पे खत्म होता है इफ, वहाँ पे इंड इफ लिखा जाता है, ठीक, विजुअल बेसिक में, बाकी लैंग्वेजेस में नहीं। जैसे मैं फिर से लिखूं अगर इसको, तो इफ, ठीक है, एज ग्रेटर देन है और बड़ा है 18 से, एंटर जैसे मारूंगा, यहाँ पे देन अपने आप आ जाएगा और यहाँ पे इंड इफ अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा अभी, ठीक है, अगर एक्सप्रेशन एक से ज़्यादा होता कंडीशंस, ठीक है, ये वाला एक से ज़्यादा होगा, मल्टीपल होता, तो ब्रैकेट वगैरह का जरूरत हमें पड़ सकता था, तो यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लगा दिया, ठीक। तो अगर क्या हो, अगर एज 18 हो या 18 के बराबर हो, तो क्या प्रिंट हो जाए? कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक, और यहाँ पे क्या हो, वोट दे सकते हो, ठीक है, वोट दे सकते हो, ठीक है, मैं सही लिखा हूँ? अरे गलत भी होगा तो हमारा बिगड़ेगा क्या, क्यों, हमारा प्रोग्राम तो चल ही जाएगा, ठीक। रन कर दो जी, कर दिया रन, अभी आ गया वोट दे सकते हो और खत्म भी हो गया,
तो इधर पे मेरे को क्या करना पड़ेगा जी, कंसोल डॉट रीड लाइन एक बार लिख देना पड़ेगा, ठीक है। रन किया प्रोग्राम, ठीक है। तो ये बोल रहा है वोट दे सकते हो, ठीक। अब यहां से मैं 18 जो है ना इसको मैं कर देता हूं 17, ठीक। तब मैं रन करूंगा तो क्या होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कहलाएगा क्या, सिंपल इफ, ठीक। लेकिन इसी में क्या करेंगे हम, हमको अब ये चेक करना है, ठीक है, कि एल्स का केस भी चले, माने अन्यथा वाला भी चले। यहाँ पे आपने क्या देखा था, अन्यथा भी लिखा था, तो अगर हाँ हो तब तो ठीक है, लेकिन ना हो, कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है, ठीक, ट्रू अगर ये होता है तो यहाँ पे आता है, ठीक है, इस यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं आ जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो ये एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा, ठीक। ये एल्स वाला ब्लॉक जो है, एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा, ठीक। तो अन्यथा को कंप्यूटर की भाषा में एल्स बोल दिया जी, ठीक है। तो इसको भी प्रैक्टिकल करके मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे ये हो गया, अब यहीं पे एल्स लिख दो जी ऐसे, ठीक। और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। और क्या बोल यहाँ पे कर दोगे, वोट नहीं दे सकते, ठीक है, इस तरह से, ठीक। अब 17 है अभी, तो अभी बोल देगा वोट नहीं दे सकते, आ गया ना। अब वही यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, बोल दूंगा जी 20 ईयर का है तो क्या कर सकता है, वोट दे सकता है, आप तो वोट दे सकते हो, आ गया ना। तो जी यही है आपका क्या, इफ और एल्स। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे जो है एज को मैंने ले लिया, ठीक है। और इस एज को मैं क्या कर रहा हूँ कि 18 से ये बड़ा है या बराबर है, चेक कर रहा हूँ, ठीक है, बराबर है या बड़ा है, ठीक। एज बड़ा है, ठीक है, या ग्रेटर देन है या इक्वल टू है किससे, 18 से, तब क्या होगा, ये वाला लाइन चल जाएगा, ठीक। अन्यथा क्या होगा, ये वाला लाइन चल जाएगा, एल्स माने अन्यथा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला लाइन क्लियर है सबको, क्लियर है ना, सबसे बन जाएगा। चलिए जी डिलीट कर दो इसको, पूरा कर दो ना। चलिए लिखोगे तो लिख लो, यहां पे जो है जैसे ही ट्रू होगा तो इसके बीच वाला ब्लॉक चल जाएगा यहां वाला, और ये यहां पे अगर फॉल्स हो जाता है तब एल्स वाला चल जाएगा, ठीक, क्लियर है, ठीक है जी। अब यहां पे ये कैसे ट्रू हो रहा है, अगर ये वाला आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप पिछला जो है देख लेना रिकॉर्डिंग, ठीक। क्या चीज, पिछला रिकॉर्डिंग में मैं ये बताया था कि ट्रू फॉल्स यहाँ पे कैसे आएगा, जैसे इसी को मैं कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं कर देता हूँ, भूला गया क्या मैं इस पे लिख, एक्चुअली मैं 2-3 रात से सोया ही नहीं हूँ, इसीलिए मेरा दिमाग प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रहा है सर, है नहीं यार, एग्जाम वगैरह थे, नहीं यार होली नहीं खेला हूँ, एग्जाम वगैरह थे मेरे ना, तो है ऐसा किसने कह दिया, मैं तो कभी नहीं डालता, मैं तो पुष्पा का भी फोटो नहीं डाला था, तो क्या देखा भी नहीं था, देखा था ना, तो ये पब्लिसिटी वगैरह करना पसंद नहीं है मुझे, इसीलिए मैं नहीं डालता,
इसी कंडीशन को जी कर दो उल्टा, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाल्स आ जाएगा जी। ठीक है, तो ये कंडीशंस वगैरह ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू ये सब ऑपरेटर को मैं बताया था जो है पिछले रिकॉर्डिंग में, पिछले में या पिछले के पिछले में, तो आप देखना। ठीक है, तो इसको डिलीट करता हूँ मैं। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, एक ठो प्रैक्टिकल में और आपको बता देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड का। ठीक, डीम एफबी पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे फेसबुक का पासवर्ड होगा जी। फेसबुक का क्या पासवर्ड होगा, ये है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कर देते हैं, डीम माई पासवर्ड यहाँ पे आएगा जो मैं एंटर करूँगा। ठीक है, अब इसको मैं कंसोल डॉट राइट लाइन के मदद से, मेरे सच में दिमाग खराब हो गया, रीड लाइन होगा ना, रीड लाइन के मदद से ले लूँगा इनपुट। और मैं क्या करूँगा, फिर अब दोनों में कंपेरिजन कराऊँगा, इस पासवर्ड में और इस पासवर्ड में। ठीक है जी, इफ बी इक्वल टू माई पासवर्ड। ठीक, एंटर मारा तो आ गया ये। अगर ये डबल इक्वल टू ट्रू अगर होता है, बराबर है अगर ये, तो क्या कर दो जी, यहाँ पे बोल दो क्या, लॉग इन सक्सेस, लॉग इन सक्सेस। ठीक है, और अगर यहाँ पे आया और बोल दूंगा लॉग इन फेल्ड, ठीक है जी, इस तरह से। ठीक, यहाँ पे इक्वल टू के लिए कंपैरिजन करने के लिए सिर्फ इक्वल टू का साइन होता है विजुअल बेसिक में, बाकी लैंग्वेज में जैसे प्लस प्लस में, मैंने सी प्लस प्लस में या सी शार्प में या जावा में, ठीक है, तो बाकी में जो है डबल इक्वल टू का साइन लगता है कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, चलिए जी, तो यूजर से इनपुट यहाँ पे ले लेंगे हम और कंपैरिजन कर लेंगे जी। ठीक है, मैं एक बार रन करता हूँ फिर बताऊँगा काम कैसे कर रहा है। एंटर मारा, बोल दिया लॉग इन फेल्ड। फिर मैं यहाँ पे आया, फिर डाला, फिर बोल दिया लॉग इन सक्सेस। ठीक है, क्या हो रहा है, फेसबुक के पास एक कॉपी तो होगा पासवर्ड का, आपका पासवर्ड फेसबुक के पास होगा एक ठो या गूगल के पास होगा एक ठो, तो वही पासवर्ड मैंने यहाँ लिख के रख लिया है। ठीक, दूसरा पासवर्ड गूगल में या फेसबुक में जो आप एंटर करते हो लॉगिन करते समय, वो पासवर्ड मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया और उसमें यूजर से इनपुट ले लिया। ठीक है ना, और फिर उसके बाद मैंने क्या करा, इफ माने अगर ये पासवर्ड बराबर है इस पासवर्ड के, मतलब फेसबुक का पासवर्ड बराबर है माई पासवर्ड के, देन क्या करो, प्रिंट कर दो कि लॉगिन सक्सेस हो गया। ठीक, अन्यथा माने एल्स, अन्यथा क्या करो, लॉगिन फेल्ड बोल दो और यहाँ पे इंडिफ है, मतलब हमारा इफ का कंडीशन समाप्त हो गया। ठीक है, तो यही इसका मतलब है जी, बिल्कुल आसान सा काम है ये। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो इसमें किसी को होगा नहीं जो है, होगा दिक्कत नहीं होगा ना, दिक्कत इसमें होगा, दिक्कत कुछ पूछना चाह रहे हो कोई तो पूछ लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो जी, नहीं पूछना है तो बता दो जी कि नहीं पूछना है हमको, हम सब ज्ञानी लोग हैं। ठीक है ना, क्यों, इतना क्लियर है सबको, कोई दिक्कत है तो कुछ पूछना चाहते हो तो जी पूछ लो। हो जाएगा, नहीं होगा, बन जाएगा ना, आसान है, कठिन तो है नहीं, कठिन है,
नहीं है ना कठिन, बन जाएगा। तो बनाना आप लोग ऐसा प्रोग्राम जो कि पूछे टमाटर का हमारे से रेट 10 रुपये हो तो क्या कहे, ले ले, और 15 रुपये तो क्या बोले, हम फकीर आदमी है जी, झोला आलू लेके निकल पड़ेंगे। हैं, ठीक है, 10 रुपये के जी टमाटर देना है तो दो, अन्यथा झोला लेके निकल पड़ेंगे, ठीक है, और खरीद लेंगे दूसरे के यहाँ से। हैं, तब हम ही समझौता कर लेंगे, ठीक है जी। तो इतना क्लियर है, क्लियर है ना? तो बताइए जी, क्लियर है सबको ना? कोई दिक्कत है नहीं है ना? दिक्कत कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर प्रैक्टिकल करोगे या आगे कुछ और बताऊं, बताओ फैसला कर लो। हैं, तो आगे चले आप प्रैक्टिस करोगे, बताओ, बताने का इच्छा नहीं है क्या? आगे और चले, ठीक है जी। सिंपल इफ हो गया, सिंपल इफ हो गया है, else if else हो गया, nested if देखते हैं क्या होता है, ठीक, सामने इधर nested if देखते हैं क्या होता है। nested if का क्या मतलब है? nested माने अंदर, उसके अंदर, उसके अंदर, मतलब घोंसले के जैसा nested हो गया, तिनके के ऊपर तिनका लगा के घोंसला बना लेते हैं जैसे चिड़िया, वही कॉन्सेप्ट इधर भी कुछ है जी, ठीक है। तो if के अंदर if, के अंदर इफ, के अंदर एल्स, के अंदर एल्स, के अंदर एल्स, वही करते गया, ठीक है। तो जनवरी फरवरी का प्रोग्राम बना ले हम एक बार, कि अगर एंटर करे 1 तो जनवरी आ जाए, एंटर करे 2 तो फरवरी आ जाए, इस तरह का प्रोग्राम बना ले ना, ना बनाए, बना ले, चलिए। इफ 10 इक्वल टू 10 या कुछ भी, ठीक है, कंडीशन, अच्छा आई भी होता है ना, क्या करें यार, थोड़ा अंग्रेजी हमारा कमजोर है, ठीक है, एल्स लग गया, ठीक है। तो यहाँ कुछ लाइन हम लिख देंगे, ठीक है, फिर एल्स लिखे, यहाँ भी इफ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी कुछ लाइन लिख देंगे हम, हाँ ठीक है, एल्स, यहाँ भी एल्स हम बनाएंगे, ठीक है। मैं सिंटेक्स पहले बता दे रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है, ठीक है जी। सबसे पहले मैंने क्या करा, इफ, फिर यहाँ हमने कंडीशन दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखेंगे और फिर यहाँ पे लिख देंगे अपना स्टेटमेंट, ठीक। अगर ये वाला जो है कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला चल जाएगा और प्रोग्राम रुक जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर ये वाला क्या हुआ, फॉल्स हो गया, तो क्या होगा, इस वाले एल्स में आएगा और ये एल्स के अंदर इतना सारा चीज है, ठीक है, तो इस एल्स के अंदर आएगा तो यहाँ पे भी कंडीशन चेक करेगा जी, और ये कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ वाला लाइन चलेगा, ठीक है, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हुआ तो इसके अंदर आ जाएगा और यहाँ पे भी हम चाहें तो इफ एक लगा देंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे भी कंडीशन कुछ चेक कर लेंगे, ठीक, ठीक है ना। तो इस तरह से ये
इफ, फिर एल्स के अंदर इफ लगा दिया, ठीक है, फिर एल्स के अंदर इफ लगा दिया। इफ के अंदर भी हम वैसे कुछ कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कि यहाँ पे भी कुछ कंडीशन लगा दें, तो कंडीशन के अंदर कंडीशन नेस्टेड हम कुछ भी कर सकते, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो क्लियर है ये सिंटेक्स, नहीं है क्लियर? ये जो लिखा हूं ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहां पे कुछ कंडीशन हम दे देंगे जी, ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तो फिर आ जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे जो भी चीजें लिखा रहेगा ना वो चलेगा, राइट, इतना क्लियर है। लेकिन अगर ये कंडीशन फाल्स हो जाएगा, अगर यहाँ पे फाल्स आ जाएगा तो क्या होगा, एल्स के अंदर जाएगा ना, तो एल्स तो इतना है, क्लियर। अब इफ इस वाले एल्स के जब अंदर आएगा तो इतना लाइन लिखा है और पहला लाइन है क्या ये वाला इफ, राइट, तो इस वाले इफ के अंदर भी यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन अगर यहाँ पे ट्रू हो जाएगा तो क्या करेगा, ये वाला लाइन चलेगा ना, लेकिन ये कंडीशन, ये वाला लाइन, अगर ये कंडीशन फाल्स हो जाएगा तो क्या होगा, इस वाले एल्स पे आ जाएगा, तो ये एल्स यहाँ तक है, ये एल्स का ब्लॉक है ना। जैसे ही ये वाला एल्स चलेगा तो इसमें पहला लाइन फिर से इफ दे दिया है, ठीक, समझ में आ रहा है आप लोग को? और जब ये वाला एल्स चलेगा तो पहला लाइन ये वाला इफ है और यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा जी, ठीक है। अगर ये ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ जो लिखा रहेगा वो चल जाएगा, अगर ये जो है ट्रू नहीं हुआ तो क्या होगा, एल्स में हमने कुछ लिखा नहीं है और प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, आ जाएगा बाहर यहाँ पे, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, ठीक। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को ना? नहीं आया? आ गया नहीं आया? मतलब पड़ोसी कह दे आ गया समझ में तो हमको भी समझ में आ गया, पड़ोसी कह दे ना समझ में नहीं आया तो हम भी कह देंगे जी समझ में नहीं आया, क्यों? मतलब पड़ोसी पे हमारा निर्भर करता है कि हमको समझ में आया है नहीं। क्या मजाक है, इन सबको मैं डिलीट करता हूँ, सीधा प्रोग्राम बनाना शुरू करता हूँ मैं, ठीक है जी। चलिए तो प्रोग्राम बनाऊ, अगर एंटर करे जनवरी तो क्या हो, अरे वन एंटर करे तो जनवरी प्रिंट हो जाए, टू एंटर करे तो फरवरी प्रिंट हो जाए, यही आना चाहिए। ये वेरिएबल का नाम है, अगर इसको ना भी हटाए तो भी चलिए जाएगा, लेकिन हटा देना चाहिए MONTH, ठीक है, हटा दिया, चलिए वेरिएबल का नाम काम के रिलेटेड होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। इफ m इक्वल टू वन देन क्या करो जी, कंसोल डॉट राइट लाइन कर दो और क्या कर दो जी, प्रिंट कर दो जनवरी। जनवरी का स्पेलिंग बताइए आप लोग, सही है स्पेलिंग? नहीं है सही? क्या बात है, मतलब अंग्रेजी आता है मेरे को। तो फिर से वही काम मैं इधर एल्स में आके कर लूंगा जी, क्यों कर लूंगा ना, बताइए इफ के अंदर अब मैं क्या लिखूं, सिंपल सा बात है, मंथ लिखूंगा और डबल इक्वल टू का साइन, अच्छा डबल इक्वल टू यहाँ पे नहीं लगता, यहाँ पे सिंगल इक्वल टू होता है, दो हो तो क्या करो एंटर मारो, ठीक है, और फिर क्या कर दो, कंसोल डॉट राइट लाइन में फरवरी, ठीक। स्पेलिंग बताइए आप लोग, सही है स्पेलिंग? चलिए सही है तो अच्छी बात है, एल्स कर दिया और फिर एल्स के अंदर फिर से क्या चेक कर लेंगे जी हम, इफ जरा फिर से चेक करो मंथ में क्या है, बोल दिया तीन है मंथ में तो क्या प्रिंट कर दो जी, मार्च,
ऐसे ही लिख देते हैं क्यों, बोल दो कुछ और लिख दोगे तो क्या चल जाएगा? नहीं चलेगा। कैसे लिखना पड़ेगा फिर? ऐसे, सही मैं कह रहा हूँ ना? फिर यहाँ पे इफ लगा दो। हाँ लिखते जाएंगे ऐसे क्यों? ठीक है जी, समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या मैं कर रहा हूँ? नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? चलिए, क्या ए पी आर आई एल वाई, वाई कहाँ से आ गया जी? सही कह रहे हो, टाइप कर दिया होगा गलती से। चलिए, वन एंटर किया तो आ गया, ठीक है। टू एंटर किया तो आ गया फरवरी, ठीक है। ए? मतलब मैं नहीं समझ रहा हूँ आप लोग क्या कह रहे हैं। एक बार में एक ही महीने का नंबर टाइप करूंगा ना मैं, क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं। ये अप्रैल है, ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा जी, ठीक है। ऐसा काम करिए, आप किताब कॉपी में लिखिए फिर बताइए। लिखे ना कि कुछ लिखना ना पड़ता और अपने आप आ जाता, कितना बढ़िया होता ना। क्यों नहीं हो सकता? मारे मैं, मेरे को जब वही बताना होता तो ये मैं इफ एल्स कैसे बताता? मेरा मर्जी है कि मैं नेस्टेड इफ एल्स को समझाऊं आपको, नहीं तो तरीका तो 1000 है इसके, 1000 तरीके हैं जिससे कि प्रिंट करा दें हम। इतना लाइन लिखने का थोड़े जरूरत है, 2-4 लाइन लिखेंगे काम बन जाएंगे, ठीक है। पर मेरा ये अभी सोच है कि मैं इफ एल्स नेस्टेड आपको कैसे बताऊं, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स मेरे को बताना है, वो इसी तरह से होगा ना। तो ये काम कैसे कर रहा है प्रोग्राम, आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। कंसोल डॉट रीड लाइन ले रहा है यहाँ से इनपुट और मंथ में डाल दे रहा है, ठीक। फिर आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, मंथ अगर वन है तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो जनवरी, अन्यथा यहाँ से एग्जिट हो जाओ और आ जाओ एल्स में, ठीक। एल्स में फिर से इफ है एक तो, ठीक है। और ये वाला इफ क्या कर रहा है, दो से कंपेरिजन कर रहा है कि अगर दो है तो क्या करो जी, फरवरी प्रिंट कर दो, ठीक है। अन्यथा क्या करो जी, एल्स में आ जाओ, अन्यथा फिर से, अन्यथा में फिर से एक कंडीशन है कि इफ यहाँ पे मंथ इक्वल टू अगर 3 है, मंथ का वैल्यू 3 है तो क्या करो, मार्च प्रिंट कर दो, अन्यथा फिर से यहाँ पे आ जाओ इस अन्यथा वाले ब्लॉक पे, और फिर से यहाँ पे इफ एक ठो लग गया 4, यहाँ पे अगर मंथ का है वैल्यू तो कर दो जी अप्रैल, ठीक है। अब यहाँ से फिर से अन्यथा आप लगा सकते हैं, आखिरी में बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए, पगला गए समझ में नहीं आ रहा, इधर 4 तक ही एंटर करना है पगला गए हो क्यों, ठीक। तो लिख देता हूँ पगला गए हो का क्यों, लिख दो इनवैलिड, ठीक है।
इनवैलिड आ जाएगा 4 से अगर कुछ और हुआ तो। ठीक है जी, 5 डाल देता हूँ, बोल दिया पगला गए होगा। ठीक है, यही प्रोग्राम है जी, फोटो फाटो खींचोगे तो खींच लो। खींच लो जी फोटो। क्लियर है जी सबको? हो गया। अब इसी को मैं बदल दूं इसमें, else if later जो यहाँ पे है, ठीक है, else if later जो इधर पे है इसमें परिवर्तन कर दूं nested if को, इसमें बदल दूं थोड़ा सा एडिटिंग करके, इसमें बदल दूं या पूरा लिख दूं फिर से टाइप करके पूरा बनाऊं, पूरा टाइप करके बनाऊं? ठीक है जी, अन्यथा बदलना होता तो बस ऐसे कर देता यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करना था बस, डिलीट बटन दबाया, हो गया बनके रेडी। ठीक, कितना बढ़िया हो गया ना, एक झटके में बन गया। ठीक है, हेलो, ये किसका उदाहरण है? एल्स इफ का। एल्स इफ यहाँ पे है ना, स्पेस का तो कोई वैल्यू होता नहीं, क्यों स्पेस का कोई वैल्यू होता नहीं, मैंने यहाँ से सारा स्पेस को रिमूव कर दिया। ठीक है, और रिमूव कर दिया तो ये आ गया ऐसे, क्यों? और आखिरी में क्या लिख दिया? एंड इफ। ये एंड इफ किसके लिए है? इसके लिए है, यहाँ पे एल्स इफ कर दिया मैंने। इस तरह से जो है बन के रेडी हो गया प्रोग्राम। ठीक है जी, तो ये समझ में आया? टाइप करके बताऊं फिर से आपको, चलिए मारता हूं सबको डिलीट, फिर से टाइप कर देता हूं। क्या करोगे? सबसे पहले इफ लिखोगे, ठीक, फिर क्या करोगे? मंथ में डाल दोगे 1, ठीक, फिर यहां पे क्या कर दोगे? कंसोल डॉट राइट लाइन में JAN, ठीक, जैन माने जनवरी। फिर क्या करोगे? एल्स इफ, ठीक, फिर यहाँ पे क्या करोगे? MONTH मंथ इक्वल टू 2। तो फिर यहाँ पे आप क्या कर दोगे जी? प्रिंट FEB फेब्रुवरी, ठीक। फिर क्या करोगे जी? एल्स इफ, फिर यहाँ पे लिख दोगे मंथ, ठीक है, मंथ इक्वल टू 3। तो क्या कर दोगे जी? MAR मार्च, ठीक, एल से फिर से लिखा मैं, मंथ में आया और क्या कर दिया? 4, इसमें क्या कर दिया? अप्रैल। ठीक है, आखिरी में क्या करूँगा मैं? एक तो एल्स चला दूंगा और इसमें लिख दूंगा पगला गए हो काजी, 1 से लेकर के 4 तक खाली एंटर करना है। ठीक, इनवैलिड। ठीक है जी, तो ये ऐसे ही जो है चलता है। ठीक है, 2 डाला आ गया फरवरी, ठीक है, 4 डाला आ गया अप्रैल, ठीक है, 12 डाल दूंगा तो दिसंबर आ जाएगा, इनवैलिड आएगा। ठीक, तो इसको समझाने का जरूरत है या समझ गए आप लोग? समझाने का जरूरत है नहीं है? यहां से हमने यूजर से इनपुट लिया और ये डाल दिया मंथ में, फिर यहाँ पे चेक किया इफ, अगर 1 है अगर इसमें तो देन क्या प्रिंट कर दो जी? जनवरी। अन्यथा क्या करो?
फिर else if में आया, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक किया, अन्यथा यदि मंथ में टू है मंथ के बराबर, तो यहाँ पे फेब्रुवरी दिखा दो, ठीक है। फिर अन्यथा यदि मंथ में थ्री है तो दिखा दो मार्च, फोर है तो दिखा दो अप्रैल, वन से लेके फोर तक कुछ भी नहीं मैच हुआ तो बोल दो जी इनवैलिड, ठीक। तो यही है जी, खींच लो फोटो फाटो, लिख लो कॉपी किताब में लिखना है तो, ठीक है, खींच लिया फोटो, लिख लिया कॉपी में, आपने लूप का प्रैक्टिस करा था, मैंने एक रिकॉर्डिंग का आपको भेजा था लिंक वीडियो का, नहीं किया प्रैक्टिस, ग्रुप में डाला था मैं, फोटो नहीं डाला था, वीडियो डाला था, पिछले वर्ष का जो रिकॉर्ड था उसको डाला था, पिछले के पिछले वर्ष भी क्लास लिया था ना, तो उस समय का रिकॉर्डिंग था, आप लोग देखे थे नहीं देखे थे, ग्रुप में डाला था, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। कल हम लोग लूप का प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, नहीं कल लूप का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कल स्विच का प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग, ठीक है जी। तो चलिए आप लोग भी जाइए आप प्रैक्टिस करिए, और हम बस चेयर पर बैठ के 2 घंटे आराम से सोएं, ठीक है।